थोड़ी आवाज हमारी 200-300 आदमी आराम से बैठकर यहाँ पर सुन सकते हैं। वॉइस में कोई भी किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं की गई है, सिर्फ वीडियो ही हमने एडिट किया है। तो नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं दूर तुझे से। दरअसल CSC के जो हमारे कार्यक्रम होते थे वहां पर 200-300 आदमी होते थे, तो हमारी टीम के द्वारा उनको कुछ बताना होता था, गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में उनको बताना होता था, या फिर हम लोग गांव में जाते थे, वहां पर 200-300 गांव वाले उपस्थित होते थे, उनको सरकारी योजनाओं के बारे में हम बताना होता था हमको, या फिर कोई अन्य पर्पज से हम गाँव में जाते थे या फिर क्लासरूम में होते थे, तो हमको वहां पर वॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी, जो चीज़ हम बोलते थे लोगों तक डिलीवर नहीं हो पाती थी, लोगों तक पहुंच नहीं पाती थी। तो फाइनली हम लोगों ने सोचा कि एक वॉइस एम्पलीफायर मंगा ले जिसकी मदद से हम अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुंचा सके। सर्च के दौरान हमको नेफिकर की तरफ से एक वॉइस एम्पलीफायर मिलता है जिसको हमने ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद हमारे पास आ गया ये एम्पलीफायर, किस तरीके से काम करेगा, कैसी वॉइस क्वालिटी है, सारा कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वैसे तो हमारी चैनल का टॉपिक अलग है, लेकिन जो चीज़ें हम अपने यूज के लिए मंगाते हैं वो आपके सामने जरूर बताते, ताकि आप भी वीडियो को देखकर आपको भी अगर कोई आवश्यकता पड़े भविष्य में तो आप भी उसको ऑर्डर करके अपने यूज में ला सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये प्रोडक्ट हमने मंगाया था, तो हमने सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में जरूर बताएं। नेफिकर की तरफ से जो हमने ऑर्डर किया था वॉइस एम्पलीफायर, वो हमारे हाथ में है, इसको खोल के हम आपको दिखाएंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, जो भी चीजें इसमें निकलेंगी आपके सामने दिखाई जाएंगी। हमारे पास ये बॉक्स है, इसको हम अभी आपके सामने अनबॉक्सिंग करेंगे, तो जो भी सामान होंगे वन बाय वन आपको दिखाएंगे और क्या यूज है सारा कुछ इसमें समझाएंगे। तो फाइनली ये बॉक्स निकल आया है सामने, नेफिकर की ब्रांडिंग है सामने, तो फटाफट इसमें हम देखेंगे। इसमें कुछ ये आपको बार कोड मिलता है, कैसे यूज करना इसमें सारा कुछ लिखा रहता है, आपको इसको बाद में देख लेना है। तो ये हमारे पास एक बहुत ही बिल्ड क्वालिटी में प्रीमियम लुक में हमको एक स्पीकर मिल जाता है। इसके बाद देखेंगे कि बेल्ट होती है जो आप इसको कैरी कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं आपको अपनी जो है इस स्पीकर को। इसके बाद एक ये माइक होती है, एक्सटर्नल माइक है, इसका कैसे यूज़ है ये भी हम आपको बताएंगे। ये एक म्यूज़िक के लिए ऑक्स केबल है, जैसा कि चार्जेबल है तो इसके साथ एक चार्जर भी आपको दिया गया, अलग से नहीं लेना पड़ेगा। एक ये USB केबल भी आपको मिल जाती है, इसका भी यूज़ कवर किया जाएगा। जो हमारा दूसरा मेन यूनिट है, इसको ये हमारे दूसरा जो मेन यूनिट है ये हमारा माइक है, इसको आप अपने हेड में लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो इस माइक को हमने इस तरीके से यहाँ पर लगा लिया है। अभी ये पेयर नहीं, तो इसको पेयर करने के लिए हमको यहाँ से इसको पहले आपको ये माइक को ऑन कर लेना है। ये ऑन होगी, यहाँ से ऑन ऑफ का आपको बटन यहाँ पर मिल जाता है, तो यहीं से आप इसको ऑन ऑफ कर लेंगे। फिर हेड में हम इस तरीके से इसको लगा लेंगे, और फिर आप जो है इस स्पीकर को जब पेयर करेंगे तो आप थोड़ा दूर रख के इसको ऑन करेंगे, अगर पास से करेंगे तो इसमें आपको जो सीटी की एक आवाज़ आपको सुनाई देगी, तो इसको हम दूर रख कर ही करेंगे। जैसे ही आपकी माइक और स्पीकर पेयर होगा तो यहाँ पर आपको लाइट जलना शुरू हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे एक माइक लगाने वाला एक जेक आपको मिल जाता है, तो माइक आप पहले यहाँ पर लगा देंगे, फिर इसको आप यहाँ से ऑन करेंगे दोबारा से। तो यहाँ पर एक जो आपको केबल मिलती है जो इस तरीके की होती है, तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखा होगा DC 5V, तो यहीं पर आप लगाएंगे तो ये आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो हमारा चार्जर भी साथ में दिया जाता है, तो इसको इस तरीके से हम लगाएंगे और चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से आप जो हेड वाली माइक्रोफोन है आप इसको भी चार्ज कर सकते हैं, चार्जेबल हैं दोनों चीज़ें। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर लगा देना है और चार्जर आपका जो मिलता है ये यहाँ पर लगाने के बाद ये चार्जिंग शुरू हो जाएगी। इसके बाद में जो हमारी बेल्ट है, तो इसको बेल्ट अपनी जो कमर में लगा के अगर आपको चलते चलते स्पीच देना है तो ये इसके लिए बेहतर हो सकती है, वरना आप चाहें तो अपनी जो बेल्ट आप रोज लगाते हैं वहां पर भी इसको लगा सकते हैं। हमको जो है 3.5 mm की ऑक्स केबल जो बॉस साइड है, आप इसको म्यूजिक प्ले करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो आप जो म्यूजिक सुनेंगे तो ये साउंड का काम करेगा, आप मोबाइल से या PC से भी इसको यहाँ पर म्यूजिक सुन सकते हैं। इस स्पीकर को हम दूसरी जगह पर रखेंगे, फिर यहाँ पर चेक करेंगे कि वॉइस क्वालिटी हमको कैसी मिल रही है। अगर आप किसी रूम में हैं या किसी खुले मैदान में हैं तो आप स्पीकर दूसरी जगह रख के भी
लोगों को संबोधित कर सकते हैं, अपनी स्पीच दे सकते हैं। तो स्पीकर को हमने दूर रख दिया है और हम भी थोड़ी डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं। वॉइस क्वालिटी आपको कैसी मिल रही है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जो वॉइस हम लोग सुन पा रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये कंफर्टेबल है, कोई भी हमको वॉइस से शिकायत नहीं है। वॉइस में कोई भी किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं की गई है, सिर्फ वीडियो ही हमने एडिट किया है। तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं कि कैसी इसकी वॉइस आपको मिल रही है। आपको चलते चलते अपनी बात कहनी या स्पीच देनी तो आपको इस तरीके से स्पीकर को यहाँ पर होल्ड कर देना है। अगर आपके पास बेल्ट लगी है तो ठीक, वरना इस तरीके की बेल्ट आपको साथ में दी जाती है। आपको यहाँ पर कमर में अपने बांध लेना, फिर स्पीकर यहाँ पर आप लगा सकते हैं। वॉइस क्वालिटी बेहतरीन मिल रही है, नेचुरली आवाज डिलीवर हो रही है, लोगों को समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है, और थोड़ी आवाज हमारी 200-300 आदमी आराम से बैठकर यहाँ पर सुन सकते हैं। तो वॉइस क्वालिटी आपको इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में आपको कैसी मिल रही, कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। अगर बोलते बोलते जो आपकी हेड वाली माइक्रोफोन होती है वो डाउन हो जाती है, तो आप जो एक्स्ट्रा माइक आपको दी जाती है इसका यूज करके जो है आप जो है अपना काम जारी रख सकते हैं। केबल वाली माइक जो है हम हाथ में है, यहाँ पर देखेंगे ये स्पीकर से हमारे अटैच है, तो यहाँ पर आप क्वालिटी सुन सकते हैं, कोई भी डिफरेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है, वॉइस क्वालिटी भी बेहतरीन तरीके से हमको मिल रही है। इस एम्पलीफायर को अगर आपको भी जरूरत है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहां पर जाके आप इस एम्पलीफायर को ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो संबंधित कोई भी जानकारी आपको लेना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा रिसेंटली जवाब दिया जाता है। तब तक इजाजत चाहते हैं, जय हिंद जय भारत। जैसे मैं रह के बता क्या करूं, सुना है जहां अब जाऊं मैं कहां, बस इतना मुझे समझा जा। भीगा है समा, ऐसे में है तू कहां, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा है समा, ऐसे में है तू कहां, मेरा दिल ये पुकारे आजा।